हेलो एवरीवन, मेरा नाम रालिनी सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस के फूड, एक फूड के बारे में जो कि है चना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे चने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो वो है कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड पोटेशियम भी पाया जाता है, फाइबर्स। तो चना जो होता है बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है। चने की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो चना सबसे पहले हमारे स्किन के लिए, स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, एज अ स्क्रब काम करता है, एज अ क्लींजर काम करता है। और हमारे हेयर्स के लिए ये है फॉल को रोकता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है। बहुत लोग बेसन को दही में मिला के लगाते हैं बालों में, जिससे कि डैंड्रफ खत्म हो जाती है। और जो चना होता है हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको किसी भी रूप में खाइए, किसी को भुना चना पसंद होता है, किसी को उबला हुआ पसंद होता है, किसी को सब्जी पसंद होती है, आप बेसन के रूप में खाइए, बट ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। चना जैसे कि हम सभी जानते हैं दो तरीके का होता है, काला और सफ़ेद, दोनों ही बहुत हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और एक स्किन की प्रॉब्लम होती है जिससे कि ल्यूकोडर्मा, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो इसको ख़त्म करने के लिए तो जो चना होता है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होता है। शायद आपने सुना होगा, या मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो चना होता है वो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में, के फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो भी गेम खेलते हैं, या जिनका भी स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक होता है, लोग कहते हैं कि चना ज़रूर खाना चाहिए। पहली बात तो चने में प्रोटीन होता है, तो रीज़न ये होता है कि जो खेलते हैं कभी उन्हें चोट लग जाती है, कभी किसी और रीज़न से, तो जो लाल रुधिर कोशिकाएँ जिन्हें रेड ब्लड सेल्स की क्षति हो जाती है, तो उनके फॉर्मेशन में, उनका जो न्यू ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में चना बहुत ही मददगार होता है, ये इसका मेन काम होता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा गुण है। और चना बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है, जैसे कि इसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमने बताया आपको। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये वेट को भी बैलेंस करने में बहुत अच्छा होता है, ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रेगुलेट करने में, बहुत शुगर, मतलब कि शुगर लेवल को ब्लड में कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो चना बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, आप लोग को इसे ज़रूर खाना चाहिए। आप इसे अंकुरित करके खाएं, या जिस भी रूप में जैसे आपको पसंद हो आप उस रूप में खा सकते हैं। एंड चने के जो उपयोग मैंने बताया आपको, मैं आपको ऐसे ही अच्छी और जानकारी देती रहूँगी फूड्स के बारे में, या डाइट्स के बारे में, या न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। आपको जानकारी कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।